जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें आपके साथ मैं एक ऐसी एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप दुनिया भर में किसी भी जगह, आप अगर कोई दोस्त है आपसे एप्लीकेशन ऐसी वो मांगता है जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल है और आपके पास उसका बैकअप नहीं है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से उसको सेंड करेंगे बआसानी। तो ये एक मेथड है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें जनाब एक छोटी सी एप्लीकेशन है ये चाहिए होगी। उस एप्लीकेशन का नाम है APK एक्सट्रैक्टर, ठीक है। ये आपने प्ले स्टोर से सर्च कर लेनी, आपको मिल जाएगी और मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आपने इसको जब इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जस्ट ओपन करना है। तमाम वो एप्लीकेशंस जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, आपने की हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है उसका बैकअप आपको बना देगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक फ़ाइल ले लेता हूँ, चलो ये ब्यूटी प्लस, मैंने इसका बैकअप बनाना है तो इस पर जस्ट मैंने क्लिक करना है। ये देखें, अब इसका बैकअप बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है जनाब, हमने अपने फ़ोन के मेन्यू में जाना है और वहाँ से फाइल मैनेजर, या आपके फ़ोन में भी माई फाइल्स का ऑप्शन हो, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हम फ़ोन की मेमोरी में जाएंगे, ठीक है। फ़ोन की मेमोरी के में जाने के बाद आपने वहाँ से फ़ोल्डर तलाश करना है, ये एक्सट्रैक्टेड APKs, जैसे ये आप ऊपर देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें, यहाँ पे जिस फाइल का हमने बैकअप किया था वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए उस फाइल को जिसको हमने सेंड करना है दबा के रखना है टच से। तो जब दबाएंगे तो ये नीचे मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, शेयर पर करना है। यहाँ से हमने गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना है, ये देख सकते हैं आप नीचे सेव टू ड्राइव, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यही सेटिंग होगी, इसके बाद आपने सेव कर देना है। तो ये जो आपकी फाइल है, ये आपकी जीमेल की जो ड्राइव है उस पर सेव अपलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। वहाँ पर आपको वैसे 15 GB तक जो है फ्री मेमोरी दी जाती है कि आप अपना कोई भी डाटा उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने जीमेल के फ़ोल्डर में जाना है, गूगल के फ़ोल्डर में। वहाँ पे आप जाएंगे, ड्राइव का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अभी शायद इंटरनेट स्लो है, अभी ये फ़ाइल अपलोड हो रही है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वीडियो को पास कर देता हूँ जी। तो दोस्तों, अब जो हमारी वो फ़ाइल है वो अपलोड होगी जी, बिल्कुल जी, ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ से भी वैसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखें, अब ऊपर एक आ गई है हमारी फाइल, इस पर हमने ये तीन डॉट आप देख रहे हैं साइड पर शो हो रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे सेंड ए कॉपी पे, अगर आप यानी कि किसी और यानी कि आप जगह भेजना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लिंक भी कॉपी कर सकते हैं और उसको वहाँ पे पेस्ट करके लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ से सेंड ए कॉपी पे हमने क्लिक करना है, और उसके बाद मैं व्हाट्सएप से सेंड करना चाह रहा हूँ, ईमेल से करना चाह रहा हूँ, या कहीं से भी जहाँ से आपको बेहतर लगे। तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, तो अब फॉर एग्जांपल ये मैं अपने एक दोस्त को फाइल सेंड कर रहा हूँ। ये देखें, ये हम मेरी एप्लीकेशन जो है सेंड हो रही है। तो ये इस तरीके से आप ना अपने किसी भी दोस्त को, वो जो आपसे दूर हो,
या जैसे आप मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, तो किसी को एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए उसको आप एप्लीकेशन बआसानी सेंड कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी, मैंने किसी को सेंड करनी थी, तो मैंने यही तरीक़ेकार अपनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।